द सतलज रिवर फ्रॉम द मानसरोवर लेक। क्या बोल रहा हूँ? तो हम सतलज रिवर के बारे में देखने वाले हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। नाउ हमने पहले देखा अभी ब्यास रिवर, ब्यास को देखा कि ब्यास रोहतांग पास से शुरू हो रहा है, ठीक है, फिर पंजाल को जा रहा है ना, और रवि का जो सोर्स है उसी के आसपास ब्यास का भी सोर्स है, मतलब रोहतांग पास है ना, पीर पंजाल के साउथ वाले रेंज में से स्टार्ट हो रहा है, और ये बाद में हरिकी के पास सतलज को ज्वाइन कर रहा है, और ये सिर्फ इंडियन टेरिटरीज़ में ही रह रहा है, टोटल इंडियन टेरिटरी में, पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं जा रहा है ना, चाइना जा रही है, ठीक है। 450 किलोमीटर का रेंज का है ये, 450 किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबाई है इसकी। नाव सतलज पे आते हैं, इससे पहले लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को शेयर कर दे, है ना। नाउ सतलज राइजेज फ्रॉम द मानसरोवर राकस ताल लेक इन द वेस्टर्न तिब्बत एट द हाइट ऑफ 4570 मीटर विद इन 80 किलोमीटर द सोर्स ऑफ इंडस। कह रहे हैं कि जहाँ से इंडस का शुरुआत होता है उसी के 80 किलोमीटर के आसपास से सतलज का शुरुआत हो रहा है, मतलब इंडस ऊपर से शुरू होता है और सतलज जो है वो नीचे से शुरू होता है। इंडस कैलाश के नॉर्थ से शुरू होता है और मानसरोवर लेक के पास ही है, वो भी ये भी मानसरोवर लेक के पास ही है पर उसको दक्षिण से शुरू होता है, वेस्टर्न तिब्बत से, तिब्बत के वेस्ट वाले पार्ट से, ठीक है। नाउ लाइक द इंडस इट टेक नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स। अब जैसे इंडस यहाँ से शुरू होकर के नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, सतलज भी यहाँ से शुरू होकर के नॉर्थ में जा रहा। क्या है ये? ओके, लाइट क्या है? कुछ नहीं हुआ है, पर लाइट भी है तो वो कैसे बंद हो गया? ओके, कोई बात नहीं, बंद ही है वो, चिंता नहीं। आफ्टर एंटरिंग द प्लेन एट रूपनगर, दैट इज रोपर। ओके ओके, लाइक द इंडस इट टेक्स नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स अप टू द सिपकिला ऑन तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री। तो ये एक सिपकिला करके पास है, सिपकी पास, ला मतलब होता है पास, दर्रा, और सिपकी ला तक ये नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स में ही चलता है, और फिर बाद में जब ये सिपकिला को पार कर जाता है तो ये साउथ वेस्टर्ली में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर एंटरिंग द प्लेन ऑफ रूपनगर, दैट इज़ रोपर। अब ये रूपनगर कहाँ है? तो पंजाब में। इट टर्न्स वेस्टवर्ड एंड इट जॉइंस बाय द ब्यास एट हरिके। ये वेस्टवर्ड टर्न हो जाता है, पश्चिम की तरफ टर्न हो जाता है और इसमें फिर ब्यास आकर के जुड़ जाता है। फ्रॉम नियर द फिरोजपुर टू फजिलक, फिरोजपुर से लेकर के फजिलक तक, इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 120 किलोमीटर। अब सतलज 120 किलोमीटर का बाउंड्री ही बनाता है, और ये भी किसके किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और लगभग कितना? 120 किलोमीटर का। ये जगह का नाम क्या है? तो जहाँ पहला शुरू होता है वहाँ उसका नाम है फिरोजपुर, से दूसरा नाम है फजिलका, मतलब फिरोजपुर से लेकर के फजिलका तक बॉर्डर बनाता है भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। और ये नदी का नाम है सतलज। तो इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को आपने नोट डाउन करना है और नीचे वाले पोर्शन से इसको हटाते हैं, ताकि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी नोट डाउन कर लें। कैसे लिखना है? तो सतलज लिखना है, मानसरोवर लेक लिखना है, हाइट लिखना है कि कुछ 4000 मीटर का हाइट है, और जहाँ से इंडा शुरू होता है उसी के आसपास से शुरू होता है, फिर नॉर्थ वेस्टर्ली चलता है, सिपकिला के पास से पार होता है, तिब्बत हिमाचल प्रदेश का ये पास है, रूपनगर से ये क्या करता है कि प्लेन में एंटर करता है, और वेस्टवर्ड से हरिके इसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। फिरोजपुर से लेकर फजिलका तक लगभग 120 किलोमीटर का, लगभग फिरोजपुर फजिलका 120 किलोमीटर कोस्ट में लिख देना है, ताकि समझ में आ जाए कि 120 किलोमीटर तक का बाउंड्री बनाता है, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नाउ अब हम चलते हैं आगे, सतलज रिवर में ही लास्ट अभी बाकी है। ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी टू रिसीव द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रावी, और इसी जर्नी में पूरा पानी जो है रावी का इसके अंदर आता है चेनाब के माध्यम से, ठीक है, एंड झेलम, मतलब ये भी चेनाब के माध्यम से, एंड इट जॉइंस द इंडस, फिर ये मिथनकोट के कुछ किलोमीटर ऊपर, नीचे मिथनकोट है और मिथनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सतलज क्या करती है कि इंडस में ज्वाइन कर जाती है, इंडस ऐसे आती रहती है और यहाँ ज्वाइन कर जाती है। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ, लगभग 1500 किलोमीटर का इसका लेंथ है, 1000 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में बहती है, मतलब 500 किलोमीटर पाकिस्तान में, इधर चाइना में बहती है, तिब्बत में,
चाइना और तिब्बत दोनों अलग अलग है, भले ही अभी चाइना उसको कब्जा लिया है, किसी दिन तो उसको आज़ाद होना ही है। सर केस लग जाएगा आप पे, लगन दो, कोई फर्क ना पड़ेगा, चाइना अपन दुश्मनी है, जेल जाकर निकालेंगे, निकालेंगे दुश्मनी तो निकलेगा। चलो आ जाओ। नाउ अब आता है यमुना रिवर। यमुना रिवर के बारे में सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट। और वेट कितने का? अगले वीडियो आने का। उसके पहले क्या करूँ? अरे तो ये जो वीडियो है इसको लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो दोस्तों के साथ, वीडियो को भी शेयर करो, चैनल को भी शेयर करो। चैनल को कैसे शेयर करो? मेन पेज पे जाओ और उसको बोलो कि ये देखो ये चैनल है, इसको शेयर करो। बोलो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे हाय फ्रेंड, बोले क्या क्या कर रहे हो? टाइम पास, वीडियो को देखो क्या है इसमें। अरे बहुत कुछ है बाबा, देख तो लो। हाँ ओके, और कुछ करना है सर? नहीं, और कुछ नहीं करना है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अगले वीडियो में ये अपना रिवर पे आने वाला है। ओके तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए सतलज ख़त्म होता है। नाउ ये अपना रिवर पे आते हैं। हरे कृष्णा।